पॉलीडक्टाइली पॉलीडक्टाइली का क्या मतलब होता है एनी वन या ऋतिक रोशन को देखा कभी मतलब टीवी में हमने सामने से नहीं भी देखा चलेगा यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैंने ना सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस uh, से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी है और यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है For you, this is a PYQ, and I don't know. It says a 2020 PYQ or something like that. And yeah, you are correct. So the answer to the question is obviously इट्स ए बिकॉज हम लोगों ने कल ही देखा था क्या कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो ये ए है कैपिटल ए ये स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है और कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और सेम इज द कॉम्बिनेशन विथ स्मॉल है इट कैन ऑल्सो वो विथ स्मॉल बी और कैपिटल बी तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ये विजिबल है मैं इसको अलग से लिख के देखू यहाँ पे कैपिटल ए लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ है ये कैपिटल बी लिखा हुआ है और ये स्मॉल भी लिखा हुआ है यहाँ पे ये कैपिटल ए लिखा है और यहां पे स्मॉल बट यहाँ पे ये स्मॉल बी लिखा है और नीचे क्या है कैपिटल बी लिखा है तो कॉम्बिनेशन दो अलग अलग हो गए ना जब ये दोनों ऐसे जाएंगे तो ये कैपिटल ए स्मॉल बी जाएगा और यहां रिपल्शन फेज यह uh, 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 और कपलिंग फेज इस तरह की कुछ बातें करेंगे हम लोग और जीन उस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले ठीक है इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट एंड इोटली how many of you did the pre-reads just raise your hand obviously virtual anamika yamini and anisha tanya others where are you so be and i want everyone to be diligent about the exercises be it pre-reads be it post-reads be it test and be it lectures now, if you are thinking that just coming or just attending this two-hour class or three-hour class or two-and-a-half-hour maybe what is the time but फेट अबाउट रैंक यू हैव टू बी डेलीजेंट विदिंग इसी वे में तुमको जल्दी चीजें सीखने का मौका मिलेगा ठीक है सो यू प्लीज इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द टीम दैट यूज टू इट या सो ये कुछ की इंपॉर्टेंट वर्ड है जो तुम्हारी प्री रीज में ऑलरेडी है मैप डिस्टेंस इंटरफेरेंस एंटीमॉगन क्रॉसिंग ओवर लिंकेज ये सारी चीजें ऑलरेडी उसके अंदर है अब तुम लोगों ने अगर प्रीवियस नहीं, नहीं किए हैं तो को ये वाला लेक्चर थोड़ा सा टफ लगेगा नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेबल यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैंने ना सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस uh, से रिलेटेड वो सारी चीजें मैंने लिख दी है और यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है क्या पहला जैसे काइंड ऑफ गैमेट पर पेरेंट तो मोनोहाइब्रिड अगर क्रॉस के बारे में बात कर रहे हो तो आपका एक जो दो गैमेट तरीके के बन सकते हैं ठीक है जैसे कैपिटल ए स्मॉल है क्रॉसिंग विद कैपिटल ए स्मॉल है है ना तो दो पेरेंट है इस तरीके से डाई हाइब्रिड में चार तरह के गैमेट्स बन सकते हैं टेट्रा हाइब्रिड में आठ तरह के गैमेट बन सकते हैं याद रखने के लिए तुमको ये याद रखना है टू टू तो दी पावर एन और यहाँ पे एन का मतलब है हेट्रोसाइक ठीक है सो so, अगर हेट्रोसाइकस पेरेंट है तो गमेट्स के टाइप्स जो होंगे वो दो चार आठ ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे जितने आप ट्रेड्स को कंसिडर करते जाओगे क्लियर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट तो जब आपका मेल फीमेल फीमेलोड डेवलप होगा तो यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बनते हैं तुमको याद होगा ना कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल कैपिटल ए ए ए ए ए ए स्मॉल 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 और 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 एक बार ये चार डेवलप होते हैं यहाँ पे यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं सोलह जैसे 9 16, 3 16, तो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं यहाँ पे सिक्सटी फोर हो जाएगा और इसके लिए हमको जो वैल्यू याद रखनी है कॉम्बिनेशन के लिए वो होगी फोर फोर टू दावर एन एंड अगेन द नंबर ऑफ एट्रोसाइकल्स जीन्स भी हो सकते हैं पेरेंट्स भी हो सकते हैं जीनो टाइप्स दिस इज इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछा है पहले सी एस आर ने कितने टाइप के जीनो बनेंगे आपके तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो तीन टाइप के जीनो बनेंगे लेकिन प्लीज ध्यान रखना ये मैं तब बोल रहा हूं जब पेरेंट मेरे ऐसे हैं अगर पेरेंट ऐसे हो जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी समझ में आ रही बात या पेरेंट ऐसे हो जाएंगे तो भी कहानी बदल जाएगी लाइक like दिस इन सब कॉम्बिनेशन में ये टेबल काम नहीं करेगी इन सब कॉम्बिनेशन में तुमको ये सब निकाल के ही देखना पड़ेगा उस टाइम पे और उस टाइम पे तुम्हारे पास इतना टाइम होगा क्लियर बट एटलीस्ट हमको ये बात तो याद होना चाहिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस दे दिया उन्होंने सी दिस वन इंटरेस्टिंग है मान लो उन्होंने मेरे को एक क्रॉस दे दिया कुछ ऐसा कैपिटल सी स्मॉल सी है ये कैपिटल सी स्मॉल सी और ये कैपिटल डी स्मॉल डी इसका क्रॉस मैंने करवा दिया सेल्फ करवा दिया मान लो इसको ये सेल्फिंग करवा दी मैंने अब इन्होंने मेरे से पूछा कि भैया सेल्फिंग हो गई है आप बताओ कि एक पेरेंट कितने टाइप के गैमेंट बनाएगा ठीक है अब तुम क्या इसको ए A को बी के साथ सी के साथ डी के साथ फिर इस ए को इस बी के साथ सी के साथ डी के साथ ऐसे कंबाइन करोगे क्या ऐसे तो तुम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे और तीन घंटे खत्म हो जाएंगे डोंट डू इट नाउ सी दिस वन ये मेरे पास हेट्रोसाइकस है कैपिटल बी स्मॉल सी मेरे पास हेट्रोसाइकस है और डी भी मेरे पास हेट्रोसाइकस है तो मेरे पास तीन हेट्रोसाइकस है

कि आठ तरह के गैमेट बना सकते हैं ये लोग अगर तुम चाहोगे तो तुम निकाल लेना आठ तरह के गैमेट ही निकल के आएंगे इसमें से क्लियर क्योंकि ये जो है ये हमेशा ए ही रहेगा बट ये बी सी और डी जो है इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे तो सभी गैमेट में ए रहेगा और बी सी डी के कॉम्बिनेशन रहेंगे आठ बी सी डी के कॉम्बिनेशन गेटिंग द पॉइंट ये चीज समझ में आ रही है तो इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा हमको हेट्रोसाइक दिए हो तभी हम इसको यूज कर सकते हैं हम इसको यूज तो कहीं भी कर सकते हैं बट हेट्रोसाइकस के लिए ये टेबल एस याद रखनी है एनी डाउट इन दिस बाकी आसान से हैं होमोजाइगस है से कितने होंगे फिनोटाइप क्या डिफरेंस हो सकता है कंप्लीट डोमिनेंस को मान के चले तो जीनो का क्या क्या डिफरेंस होगा हमको पता है तीन तरह के जीनो होते हैं दो तरह के फिनोटाइप होते हैं टॉल और मोनोहाइब्रिड क्रॉस हाइट के लिए जो प्लांट प्लांट पी क्लियर इज इट क्लियर आई वॉन्ट दिस टेबल टू बी लर्न आई रियली वॉन्ट कि तुम इसको समझो रटना नहीं है इसको हाँ भैया मूव फॉर दर ना पैटिगरी के बारे में हम लोगों ने कल बातचीत की थी शुरुआत में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम यार एंड पैटेगरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी थी अगर तुमको याद आ रहा हो तुमनेट बी सोल्व इट या टाइम लग जाएगा इसमें थोड़ी चीजें समझाता हूँ इस क्वेश्चन पे अपन चल के आएंगे थोड़ी देर में लेट स्टॉक अबाउट हाउ टू सोल्व दी एंड स्टार्ट विदी एडी

देखो कल मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो डॉम ट्रेट नहीं रखने वाला होगा मतलब जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल होगा वो हमेशा क्या जिनो टाइप रखेगा स्मॉल है स्मॉल है, है ये फिक्स्ड है तो जब भी अगर तुम कभी भी, भी पेडिग्री का क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले क्वेश्चन में अगर तुम सॉल्व करो और तुमको लग रहा है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज डू इज मार्क द अन इंडिविजुअल एज स्मॉल ए स्मॉल है इन दिस केस अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ बट पॉइंट समझ में आ रहा है तुमको सारे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स क्या प्रोसीजर है।, है दो स्मॉल है तो एक तो स्मॉल से मिला होगा इसकी 50 परसेंट पापा देते फिफ्टी परसेंट मम्मी देती है और एक स्मॉल किधर से आया होगा फादर से आया होगा सही है सही है ना सिंपल है यहां तक नाउ यो मतलब अगर ये स्मॉल दे पा रहे हैं अपने बेटे को मतलब एक स्मॉल इनके पास भी होगा तभी तो दे पा रहे हैं और इसी वजह से लेकिन क्योंकि तो ये स्मॉल दे भी पा रहे हैं और ये अफेक्टेड भी है इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये कैसे हो गए होगा क्योंकि अगर कैपिटल इनके पास होता ही नहीं तो ये कभी अफेक्टेड होते ही नहीं ऑटोसोमल डोमिनेंट रेड मान के चल रहे ना अपन और ऑटोसोमल डोमिनेंट रेड होने का क्या मतलब है कि उनके पास में ये वाला अलीन होना चाहिए तभी तो वो एक्सप्रेस करेगा और ये अलील एक्सप्रेस कर सकता है दो तरीके से या तो ये कैपिटल है स्मॉल है कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा या फिर होमोसाइकस डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा यहां तक तो क्लियर है तो अब देखो यहां पे स्थिति क्या बन सकती है यहां पे स्थिति बन सकती है मान लो तुमको इस फिफ्थ वाले का जीनोटाइप लिखने को दे दिया उन्होंने इसका जीनोटाइप लिखने को दे दिया उन्होंने अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम बताओ मेरे को कि अगर ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है मैं दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ चार दे भी दे रहा हूँ और ये ऑप्शन बी है क्या लगता है see, क्यों, अब ये कैसे निकाला? क्योंकि यहां पे हमको पता है कि ये वाला जो पेरेंट है ये क्या है, है। तो डेफिनेटली इसके पास एक स्मॉल है तो होगा ही होगा जो कहां से आएगा इसको मदर से मिलेगा सही है और क्योंकि फादर क्या है अफेक्टेड है अब फादर अगर अफेक्टेड है लेकिन अब देखो ध्यान से ये अफेक्टेड तो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन इनका देखो यहाँ पे ये बच्चा जो लड़का है ये दिख रहा है क्या वाला और अगर यह अनफेक्टेड स्मॉल है अब अगर इसके पास स्मॉल इस स्मोल है तो एक स्मॉल स्मॉले तो इसको मम्मी से मिल गया लेकिन इस पापा इनके पापा ने भी तो एक स्मॉल स्मॉले दिया होगा इसको तो एक पापा के पास भी स्मॉल स्मोल होगा अगर इनके पास स्मॉल एक है लेकिन ये अफेक्टेड है मतलब इनके पास में क्या होगा दूसरा कैपिटल होगा जो इनको क्या कर रहा होगा डिजीज शो करवा रहा होगा एंड दैट्स हाउ यू जस्ट राइट द जीनो टाइप्स अगर मेरे को यहाँ पे सारे जीरो लिखने हो, तो मैं फटाफट से लिख दे रहा हूँ तुम जब उसको क्रॉस चेक करना अगर सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इनका एक बच्चा जो है वो अनफेक्टेड है मतलब यहाँ पे एक स्मॉल ए होगा और एक कैपिटल ए होगा क्लियर और देन अगर ये कैपिटल स्मॉल ए है और ये स्मॉल स्मॉल से क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे कहीं पे भी होमोजाइगस डोमिनेंट बनने की स्थिति नहीं है आउटसाइड रूल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब तक हमको बोला नहीं जा रहा है बोला नहीं जा रहा है मतलब कि अ मेल मेटेड और अ मेल मैरिड विथ अ कलर ब्लाइंड फीमेल तो वहां क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि कलर ब्लाइंड है फीमेल समझ आ रही ना ये बात अगर जब तक आपको बोला नहीं जा रहा है आप जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं जैसे इनकी फैमिली तो इधर है इनका इस इनके बेटा तो ये है ना ये वाला इसकी शादी हुई है बाहर ये किसकी शादी हुई है यहाँ पे बाहर तो ये आउटसाइडर्स है इनकी फैमिली के लिए बहू लेके आना हाँ, आसान भाषा में बताऊं तो या घर जमाई बनना ये हुआ आउटसाइडर्स so ये बहू लेके आया अब जो बहू लेके आए ये बाहर से है तो हम मान के चलते कि जो बहू आई है वो हमेशा अनअफेक्टेड होगी ट्रेड के लिए ये आउटसाइडर रूल है हम मान के चलते हैं ऐसा लेकिन अगर कई बार ये रूल नहीं भी लगता है क्यों नहीं लगता है क्योंकि हो सकता है कि वो जो बाहर से आ रही है वही ट्रेड लेके आ रही हो कैरियर हो डोमिनेंट में खैर कैरियर की बात नहीं है ये कल बताई भी थी मैंने शायद बात क्योंकि डोमिनेंट में कैरियर जैसा कुछ नहीं होता है क्यों यू नो इज अ डोमिनेंट ट्रेड तो अगर वो अलील होगी तो वो एक्सप्रेस करेगी करेगी ए सिम्टोमेटिक जैसा कुछ नहीं होता है जैसे कोविड में तुमने ये वर्ड सुना होगा एसिम्टोमेटिक जब कुछ लोगों को सर्दी खांसी हो रही थी बट उनको लग रहा था कि वो कोविड है या नहीं है तो उनको ए एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन था कि उनको सिम्टम्स नहीं आ रहा उनका सर दर्द नहीं हो रहा है उनको बुखार नहीं आ रहा है वो आराम से हैं थोड़ी बहुत सर्दी खांसी है चल रही है दिस इज नोन एज ए एसिमटोमेटिक तो करियर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बाद में कैरियर के बारे में नॉट करियर के बारे में सो स्ट्रीट प्लीज डू द पोस्ट स्ट्रीट्स विदाउट दैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट यू वॉन्ट एबल टू सक्सेस